Alright guys, this is Sorry TV and you are watching the Sorry Reviews. My name is Bani and he is Nikhil. Okay, guys, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? भाई कलेश हो चुके हैं. हाँ. Very openly गाना आ गया with the name called Sit Down Stun. Stun by the Vansan. मतलब बैठ जा पुत. पंजाबी च बैठ जा पुत. बेटा बैठ जाओ. बैठ जाओ बेटा. इतने प्यार से नहीं लग रहा मुझे ये. मतलब it's weak sarcastic, ठीक है? Yes. काफी लोगों को नहीं पता, जिनको पता है well and good. I'll just reiterate to the best of my knowledge कि मुझे जितना पता है कि क्या सीन चल रहा है, तो भाई हम भी फॉलो करते हैं. प्रेम टिल्लो ने, तुम्हें एग्री करना पड़ेगा, थोड़े फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे कि प्रेम टिल्लो ने सबसे पहले गाना निकाला था माजा ठीक हाँ. है, और उसके बाद काफी आर्टिस्ट ने वो ब्लॉग जो रीजन है उसके ऊपर गाने निकालने लगे. इससे पहले मेरी नॉलेज देंगे किसी ने गाना निकाला हो, एंड उसकी वजह से एक इंडस्ट्री में हाइप आई. देन ही कॉल्ड हिमसेल्फ आउट कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये सब हो रहा है. इस वजह से नवान संधु टुक अ शॉट इन वन ऑफ हिज सॉन्ग सीधा, हाँ, जहां पर बोला कि नहीं भाई तुम्हारी वजह से लाला 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 नहीं हो रही है, बट देर आर अदर आर्टिस्ट एज वेल. यस, वेरी सिंपल. फिर अगेन इन वन ऑफ द सॉन्ग ही कॉल्ड इट आउट कि मजा नहीं आया यार. तो दिस इज द फर्स्ट ब्रूटल सॉन्ग. When I say first brutal song, it means it is the song जो properly directed है to Prem Tillon. अगर कह रहे हो नहीं 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 Prem Tillon के लिए नहीं है, this is from Prem Tillon from Nawan Sandhu as a this gift. This is from Nawan Sandhu to Prem Tillon. तुमने दोनों की सारे time पे from बोल दिया. अच्छा, थोड़ी अंग्रेजी ध्यान मत दीजिए, भावनाएं समझिए. हाँ. क्योंकि मैं बहुत excited हूँ. वो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है. हाँ. But जैसे इनकी T-shirt पे बना हुआ है peace का symbol, हम peace represent करते हैं. भाई पीस मेरी सिर्फ टी शर्ट, मेरी टी शर्ट में मत जाना, डिस्काउंट पे थी, सेल पे थी, इसलिए ली है. मेरे टी शर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है. दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, नवान संधू, इफ एनीवन फ्रॉम हिज टीम और नवान संधू हिमसेल्फ इज वॉचिंग दिस, ब्रो यू प्रॉमिस्ड मी अ पॉडकास्ट. हमने हमारे कुछ ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे. बिग, you need to do it, you cannot turn back from it. Yes, because there are a lot of people out there jo hame bol rahe hain ki please reach Nawan Sandhu team and we want to know everything about him. To bhai 3 minute 24 second jisme music diya hai Retro ne, Avi as well as Avi, yes, aur Nawan Sandhu ke official channel par hai. Let's just jump into this diss track and 3.5 minute. Ha, 3.5 minute. One, two, three, play. Okay. गाइज, जब भी हम हिप हॉप के अंदर स्टेप इन करते हैं ना, तो मैंने बहुत डिस्ट्रैक्ट्स कवर किए हैं, एमीवे के, कृष्णा के, मुंह फाड़ के, एवरीवन वाला, किंग वाला. हाँ, किंग वाला. तो वहां पर किंग का जो था उसमें किंग को काला कौवा बुलाया था उन्होंने. यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे, एक स्पॉटलाइट में आदमी खड़ा है, दैट इज नवान संधू हिमसेल्फ. Yes. एक शैडो में काला डॉग बैठा हुआ है. हाँ, जिसके गले में पट्टा है. तो इट रिप्रेजेंट्स कि वो एक पेट डॉग है जो तुम्हारी बातें मानता है. एंड द वे नवान संधू इज मूविंग, वो डॉग की नेक भी अप एंड डाउन टाइप हो रही है. हाँ, मतलब इतना गौर नहीं फरमाया. मैंने देखा है भाई, मैंने ठीक देखा है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आई एम जस्ट टेलिंग यू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन. लेट्स जस्ट जंप इनटू द सॉन्ग गाइस. सी, हम मर्दान की थे आंधी किसे टावे टावे नू ते मोल लाके बस मैं को गल ना पड़े किसे जिद्दी पलवान वांगू मेहनत में मारी ताइयो गब्बरू दे मुरे कोई है कि ना तड़े नहीं मैं कल्ला तुले. ओके गाइस, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. स्टार्ट ही सीधा हुआ है कि भाई आई ट्राई उधर, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट. अभी ही सेल्फ बिल्डिंग हिमसेल्फ इन द सॉन्ग. और ये मेरे काफी लोगों के लिए जो पंजाबी नहीं समझते, देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल इन दी दिल्ली मुंबई जहां पर दे वॉन्ट टू हियर इट आउट बिकॉज नवान संधू कोलैबोरेटेड विद हनी सिंह एंड ही इज हाइप्ड नाउ. तो उस वजह से मैं इसको काफी ट्रिम डाउन करूंगा. अभी तक नवान संधू जस्ट टॉक्ड अबाउट की ना, जैसे एक पहलवान मेहनत करता है ना, उस तरीके से आई हैव बीन पुटिंग एफर्ट्स. इस वजह से मेरे आगे ना कोई मतलब मैं दुश्मन मेरे सामने कोई हिम्मत ना करे हिक ना करे. It's, मैंने अपना स्टेप अपना फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मेरे आगे कोई ऐसी बकवास नहीं करता. हाँ.
थोड़ा मतलब बदल गया यहाँ पे, बट यू गेट द पॉइंट। भाई भरा पड़ा है मजा कलाकारों तो, हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज द ओनली वन या जो वो अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं या पंजाबी इंडस्ट्री या माझा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पे। एंड ही सेड मैं पहले लिखता था लहर बन के, अब मुझे इस टाइम पे ना आए, आई एम गिविंग दिस शॉट, मैं जहर पी के लिख रहा हूँ। हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा बोलते हुए। अरे तूने वो नहीं समझा, वो कह रहा है मैंने अपनी जेब से इसको बाहर निकाल कर आई फॉर्मड हिम, आई क्रिएटेड इट, 4 फुट का इंसान, मतलब ही इज कॉलिंग इट आउट कि ये मेरा प्रोडक्शन है, इज माय ब्रेन चाइल्ड, ठीक है, कि मैंने उसको फॉर्म किया है, और दिस इज बैड, दिस इज लिटरली गोइंग ब्रूटल राइट नाउ। ताइनू बाहर कढ़िया नहीं है मेरी अग्गी अकड़ दिखाउण नू फिरे, 4 फुट दा खिडौना जिहा मांझ धरता नहीं हुण पेटे पिया नग गल लाउण नू फिरे, होई ना इजी किथे गब्बरू नू चित करना निके चलना चलाउणा हुंदा हथ रब दे नी, मैं सान वांगू वैरियां ते फिरा चढ़दा हो नी, मैं सान वांगू वैरियां ते फिरा चढ़दा है चट्टियां च पूछा लै के जान रब दे नी, मैं सान वांगू वैरियां ते फिरा चढ़दा है चट्टियां च पूछा लै के जान रब दे, कदे वग नाल बनदा नी ओरा नड्डीए और गाइस, ये ना ऑरा वाला मैंने ना कहीं पढ़ा भी था, तो जस्ट टेल मी व्हाट यू फील कि यार ये कहाँ पे यूज हुआ है, कि कहीं पे किसी ने ऑरा वाला, आई थिंक प्रेम टिलो कमेंटेड दिस आउट और कॉल्ड इट आउट ऑरा के ऊपर, तो प्लीज मुझे ना कमेंट करके बताना वेयर दिस रेफरेंस कमिंग फ्रॉम। यस ठीक है, अभी तक इट्स गोइंग वेरी लिरिकल एंड टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ठीक है, मुझे अभी तक वो जो था लाइन जिसपे बोला है कि यार मैंने जेब से निकाल के 4 फुट का बंदा धर देता, तो दैट इज वन ऑफ द की शॉट अभी तक, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बार मैंने अभी जो पिक की है, अभी उससे पहले कुछ और हैं बट मेरे लिए वो मेजर है इस टाइम पे। दिमाग बहुत गंदा जा रहा है, बहुत ही गंदा है, हाय हाय, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस चीज को, अब तुम बताना चाहोगे या नहीं? नहीं भाई, दिस इज हमारा चैनल पे नहीं बता सकते, ठीक है, निवान व्हाट द फक यू रोट मैन, क्या लिखा है तूने ब्रो, ठीक है फॉरवर्ड चलते हैं। ना खच्चा नाल जोड़ना नी ए आए दिन खसमिया नवा लब देते जीपा मारन दी लत पैड़ी लगी हुई आ, जिन्ना कीती सी सपोर्ट कदे मोढा नाल लाके ना दंदी ओसे हत्था उत्ते वड्डी हुई आ, कहंदियां के पिछों पहलवान हुन्ने आ पर दस दे नी लाके चिख चैल वा
ओके, मैं ये पार्ट ना दोबारा प्ले कर रहा हूँ गाइस, जस्ट कि मेरा मेरे जो मेजर शॉट था ना हैज बीन टर्न टू दिस. दिस इज लिटरली गोइंग बिलो बेल्ट. ठीक है, बड़े सारे मीनिंग्स निकलते हैं. जो एक ये जो बार है ना पर्टिकुलरली, ये बहुत ओपन बार है. मुझे नहीं पता नवान संधू ने इसको किस सेंस में लिखा है. अगर मैं इसको बहुत प्लेन सेंस में लेता हूँ, ये ऐसा है कि जो तेरा घर है ना, जो उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, उतने की मेरी गाड़ी है और उतने की मैंने गुटते घड़ी बंधी हुई है. ठीक है, जो तेरा भी टाइम चल रहा है वो टाइम नहीं, नहीं 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 पैसा. अच्छा ठीक है, एक ज्यादा फिलोसफिकल थोड़ा डीप जाके अगर इसका मीनिंग लोगे, व्हाट हाउ नवान संधू राइट्स, तो भाई कि जो तेरा पूरा घर है, मतलब घर रिप्रेजेंट्स योर कंप्लीट वर्थ, तेरा पूरा पिंड पूरा पीछे, तो उसकी जितनी तेरी वैल्यू है ना, उतनी मेरी एक राइड है. इट मींस उतनी वैल्यू मैं एक राइड में, मतलब अपनी नॉट एज फिजिकल बट एज एज जो मैंने कमाया है यारों में सोसाइटी में, वो है. और जो तेरा समय है ना, वो मैं अपने हाथ में गुटते बांधता हूं. मेरा मैंने इसका ये निकाला, कुड बी रॉन्ग बट थोड़ा डीप जा रहा था. हां, दो तीन मतलब तो निकल आए, दो तीन मतलब तो निकल आए. दिकार जट दी एदी कार दे प्राइस दी मैं गुट ते बनी नी लाला लाला माजा माजा तेल ककराता ए जे भी कहंदा है कोई गल नहीं बनी जेड़े मेरे तो लिखाए हो गए 100 मिली पार जेड़े खुद लिखे दे तो 50 नहीं होए मेरे 15 साल तो सिम यहां. आई हैव वन क्वेश्चन, कौन सा गाना है जो उन्होंने लिखा है प्रेम टिलो के लिए? क्योंकि जो मेरे तो लिखाए हो गए 100 मिलियन पार, जो तूने लिखे हो 50 नहीं हुए. यार कौन सा गाना है? आई डोंट नो, कुड बी कि हमने किया हुआ है पॉसिबली. मेरे हिसाब से इधर इट इज आई वी नीड टू फाइंड इट आउट. ठीक है, या फिर ये ऐसा है कि जो मैंने अपने गाने लिखे है ना, लोगों ने गाए, दैट वेंट अबव 100 मिली. नहीं, पॉसिबिलिटी है कि शायद नवान संधू ने लिरिक्स लिखे हैं और प्रेम ढिल्लो ने गाए हैं वो गाना. अगर आप लोगों को पता है, मेरे को अभी नहीं पता, टॉप ऑफ माय हेड, मैं इस वीडियो के बाद जरूर ढूंढूंगी. हाँ, और एक और चीज एंड में बोली है, आई जस्ट नीड टू लिसन दैट अगेन. जे भी कहंदा है कोई गल नहीं बड़ी जेड़े मेरे तो लिखाए हो गए 100 मिली पार जेड़े खुद लिखे दे तो 50 नहीं होए मेरे 15 साल तो सिम यार दे विचारे तो 6 महीने किसे ना टपा नहीं होए मैं सारा टब्बर लगाता. कह रहा है मेरे, सॉरी गाइस मैं बहुत रोक रहा हूँ, बट दिस सॉन्ग डिजर्व्स दिस यार, हमें मानना पड़ेगा. कि कह रहा है मेरे 6 महीने, तेरे 6 महीने तक यार टिकते नहीं, मेरे 15 साल से वो यार हैं. इट इज अबाउट कि यार जो हमारा ब्रदरहुड है, जो हमारा जो हम वो है ना, सच्चा है वो दोस्ती, सच्ची है यहाँ पे. आई थिंक ये वाला पॉइंट ना सिद्धू मूसेवाला ने भी बोला था. नवान संधू के फैन हो या नहीं हो, तुम्हें ना ये बात एग्री करनी पड़ेगी. आई हर्ड सीन मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज पॉडकास्ट जहां पर काफी आर्टिस्ट ने बोला कि नवान संधू हैज बीन द कंसेप्ट, हैज बीन द लिरिकल गाय, हैज बीन ब्रेन बिहाइंड दिस सॉन्ग, जो काफी बिलबोर्ड के ऊपर गए हैं. ठीक है, बट यार टू आवर सरप्राइज, मैं तुम्हें सच बताऊं, वी स्टार्टेड लिसनिंग नवान संधू लास्ट ईयर.
फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स इनकी हाइप आई अंबर सरिया जो आया था नहीं नहीं बिकॉज ही स्टार्टेड स्टेपिंग देयर एज वेल अभी इसके छेला नवान संधू इज लाइक 6 लाख सब्सक्राइबर 6.5 लाख सब्सक्राइबर एंड लुक एट हिज वर्थ रियल वर्थ हम इसको मिलियंस में जानते हैं मतलब हम सोचेंगे नवान संधू ओके ही वुड बी अराउंड 5-6 million सब्सक्राइबर्स But he started late because he was writing lyrics earlier for people and he was the brain behind it. तो उसने पहली बार I have seen Navan Sandhu calling this out कि मैंने पूरा टब्बर billboard ते पचा देता which is genuinely true. मैं सारा टब्बर लगाता billboard दे उते दस दिया चार ते गिरा पे अज दे नी मैं साल वांगू वैरियां ते फिर आ चढ़दा होनी मैं साल वांगू वैरियां ते फिर आ चढ़दा है चड्डी अज पूछा ले Retro. Okay. मेरा मतलब दोबारा प्ले कर दूँ तो ठीक है मुझे और शायद कुछ मिस हो गया है क्या हो गया पता नहीं गाइस टू द बेस्ट टू द बेस्ट जैसे फर्स्ट लिसन जो मैंने दिया है इसको हमने आई थिंक ऑलमोस्ट काफी हद तक पकड़े क्योंकि एक एक लाइन में शॉर्ट था यार एक एक लाइन में शॉर्ट था हाँ मतलब गाइस यू हैव टू टेल अस कि हमने कुछ गलत किया है या फिर हमने कुछ मिस किया है आई थिंक द ऑरा वाला पार्ट इज नॉट क्लियर फॉर अस बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर ट्रू And Navan Sandhu has openly called it out. So this is a clear shot to Prem Tillo. अब क्या Prem Tillo इसके बाद दोबारा इस पर reply करते हैं? We do not know. But जितना हम लोग जानते हैं इस industry को, जितना हमें हर इंसान के थोड़े से nature पता है, आएगा. मेरे हिसाब से आएगा. हाँ. और एक अभी जब हम ये गाने पे जा रहे थे, तो Prem Tillo का एक गाना आया हुआ है, गुरलेज अख्तर के साथ. हाँ. जो इसी टाइम पे इसी आया बट मतलब कल ही दोनों ने निकाले हैं गाने तो आई एम नॉट श्योर कि वो वाला गाना होगा नहीं वो होगा नहीं क्योंकि एक तो गुरलेज अख्तर है उसके अंदर हाँ. दूसरी बात ही इज नॉट अवेयर कि ही इज थ्रोइंग अ शॉट हाँ तो ये दो तीन दिन बाद आएगा पॉसिबली कल भी आ सकता है तो भाई नवान संधु ब्रो मतलब मुझे ना कभी कभी लगता है ये आर्टिस्ट लिख के रखते हैं कि कोई ऐसा सॉन्ग आएगा मतलब ये लो सीधा शॉट रेडी नवान संधु लेट्स डू अ पॉडकास्ट मुझे पहले पूछना तुमने गाना कितनी देर में लिखा काफी लंबी गई है। Adios. Yes.